पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो के पहल से किसानों को मिला लाभ। सुदेश महतो जनता के प्रति हमेशा सजग रहते हैं और हमेशा गरीब किसान को कैसे और कहां से लाभ दिया जाए इसके लिए हमेशा मंथन करते रहते हैं। तभी तो जमुबाग पंचायत के चोगा गांव के ग्रामीण एवं किसानों ने पिछले दिनों गांव के समीप 26 एकड़ में से बरसों पुराना तालाब जहां सालों भर पानी रहने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा था लाभ, इससे परेशान होकर ग्रामीण किसान सुदेश महतो से इस पहल की मांग की थी, जिससे सुदेश महतो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2018 में स्थानीय विभाग को बुलाकर सर्वे कराया एवं आज यह कार्य को धरातल पर लाने के लिए प्रयास किया गया। किसानों ने सुदेश महतो से कहा था कि हम सैकड़ों किसान का जीवन चल सके ऐसा काम करते। जैसे ही आज डैम का रिफियर और नहर को विभाग द्वारा स्वीकृति मिलते ही जमुदा पंचायत के 14 साल बांधा ठुकरुडी धारुडी गांव के किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। किसानों ने कहा, हम सभी का सपना सच होते दिख रहा है। इसके मरम्मती हो जाने से हम सब किसान धान फसल के अलावा खरीफ फसल का भी खेती कर सकते हैं। किसानों को इससे लाभ मिलेगा। डैम और नहर का टेंडर की खबर मिलते ही किसान खुशी से झूम उठे और सभी ने पूर्व मंत्री सुदेश महतो को बधाई दी। सोना न्यूज से कैमरामैन दिनेश के साथ विनोद बनर्जी की खास रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं चोगा गांव के इस डैम में, जहां ये कुछ दिनों में रिपेयर होने वाला है। ये डैम ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है और ये डैम का रिपेयर होने से और यहाँ से सीधा नहर, जो आपको मैं दिखाता हूँ नहर दिखाई, ये नहर बनने वाला है जो 80% किसानों को, चोगा गांव के 80% किसानों को फायदा मिलने वाला है। और किसान हमारे साथ हैं, बहुत सारे किसान हमें देखकर आ चुके हैं यहाँ पर डैम के पास। तो मैं किसानों से पूछता हूँ कि कितना खुश हैं आप डैम का रिपेयर और नहर बनने पर, और कितने लोगों को और कैसे कैसे लोगों को ये इनका इसका सुविधा मिलेगा। जी आप बताइए, आप यहाँ के क्या हैं? हम चोगा गांव का पूर्व सरपंच हैं जी, चमदा पंचायत। अच्छा, ये बताइए कि आज जो ये डैम का रिपेयर का कुछ जानकारी मिली है कि कुछ दिनों में ये चालू होने वाला है और नहर भी बनने वाला है, तो कितना खुश हैं आप? बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत दिनों से हम कोशिश किए थे, हम बाबू से हम कहे थे कि भाई इसको कम से कम बनवा देने से ठीक रहेगा, ताकि रेगुलर पानी चलेगा। मान लीजिए नाली नहीं रहेगा तो खेत की रोपाई के समय में थोड़ा ये होता है, बाधा होता है, और टनल जो भी होता है तो पानी सीधा जाएगा, जितना जरूरत होगा खेत में उतना लेंगे, बाद में किचन में जाएगा। कितने लोगों को इसमें इसका फायदा मिलने वाला है? चोगा से कम 80% लोगों को मतलब इसमें लाभ मिलेगा। नहर के किनारे किनारे दिख रहा है कि बहुत सारे खेत हैं। हाँ। और बहुत सारे सब्जियां भी लगी हुई है। हाँ। तो किसान ये सब्जियां कहाँ बेचते हैं? जैसे हम लोग गुंडू ले जाते हैं, सोनाहत ले जाते हैं, सीढ़ी ले जाते हैं। अभी किस तरह से आप लोग पानी पटाते हैं फसल में? अभी तो जो केनल से जा रहा है केनल से पटा रहे हैं, मतलब डैम का पानी से पटा रहे हैं। और अभी हल्का पानी जितना जा रहा है खेती से तालाब में जब गिर रहा है पानी। किसके द्वारा ये होने वाला है आपको कुछ जानकारी? ये तो लघु सिंचाई विभाग के द्वारा बना था इसमें पहले। आप लोग किसको लेटर दिए हैं? जी आप जरा बताइए कि हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो डैम है, डैम में कितने किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है? जैसे कि हमारे जमदक पंचायत के पूर्व सरपंच जी बोले कि गांव के लगभग 80% किसानों को फायदा मिल सकता है। तो पक्का नहर बन जाने से हमको 80 से कहीं 1-2% ज्यादा ही हो सकता है, लेकिन कम तो नहीं हो सकता। विलेज भी पड़ता है, दूसरा विलेज, और यहाँ से अगर पक्की नली होने से
जो ये पानी जो अभी खेत में अभी जो जरूरत नहीं है वो सीधे तालाब में जाएगी, और तालाब भरने से तालाब के नीचे जो खेत है उसमें भी मार्च तक सिंचाई हो पाएगी। यहाँ कैसे कैसे किसानों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? देखिए जैसे हाल की बात बोल रहे हैं, वर्षा थोड़ा पिछले बात से आने के कारण किसानों में मायूसी छाई हुई थी कि रोपा होगा भी या नहीं, लेकिन इस डैम से कम इतना तो आश्वस्त जरूर थे कि ये साइड में जो है खेत जिन किसानों का कम से कम वो खेत रोपा जाए। जो नहर से सटे हुए हैं वो खेतों में आपकी फसल हो सकती है, ये आपने मतलब आपका कहना है? हाँ। कि फसल, ये जो फसल इस बार आपको मैं बता दूं कि आज हम चोगा गांव में आए हुए हैं जहां नहर का कुछ दिन बाद ही इसका रिपेयर का काम शुरू होने वाला है और नहर भी बनने वाला है। तो मैं बता दूं कि यहां के किसान काफी खुश हैं और लग रहा है कि कुछ और भी किसानों से पूछते हैं। जो चेकडैम बना है, चेकडैम 2003 को सुदेश माथुर के द्वारा ही बना था और फिलहाल भी उसी के सूचना हम लोग दिए हैं और उसी के कलकर्मों द्वारा बनने की आशा है और हम लोग उम्मीद भी करते हैं इसमें चोगा ग्राम के कम से कम 80% किसानों का इसमें लाभ ले सकते हैं। आज अभी तो फिलहाल वर्षा बाद में आने के चलते हम लोग डैम से क्या कहते हैं टुल्लू पंप से मिशिंग से हम लोग पटवान करके भी खेती का काम किए हैं। क्या नाम हुआ? इंद्रजीत माथुर। कहाँ से रहने वाले? ये चोगा चोगा का ही है, जमदक पंचायत। इस बार बारिश नहीं होने की वजह से फसल को कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ? अभी तो बहुत मतलब क्या बोलेंगे, वर्षा देर से आने के चलते लगभग 50% से ऊपर किसान का नुकसान। तो ये प्याज के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि प्याज आप लोग किसान यहाँ पर बोते हैं? प्याज तो बोते हैं लेकिन गर्मी के सीजन में थोड़ा पानी का दिक्कत होता है इसलिए पानी का सुविधा नहीं है, इसलिए गर्मी के सीजन में प्याज तो होता है हम लोग इधर, इसलिए उसमें थोड़ा हम लोग का तकलीफ होता है, इसलिए प्याज की खेती बहुत कम करते हैं। अच्छा, नहर बन जाने के बाद आप किस किस तरह का फसल को उगाएंगे? नहर बन जाने के बाद हम लोग जैसे लौकी हुआ, करेला हुआ, टोटी हुआ, ये सब का बहुत से, खीरा हुआ, ये सब का बहुत से रबी फसल का भी काम हम लोग करेंगे और हम लोग का जो धान का फसल है वो हम लोग का भरमार हो जाएगा पानी। गेहूं का भी फसल करते हैं? गेहूं का भी करते हैं गेहूं का, लेकिन अभी पानी का दिक्कत भी चलते थोड़ा। तो अब नहर बन जाएगा तो कुछ आपको राहत? जी, राहत पूरा मिलेगा। तो और भी किसानों से बात करते हैं, ये किसान का खेत इसमें नहर पे जा रहा है, मतलब किसान ने अपना खेत भी नहर बनने के कारण अपना छोड़ दिया है। तो मैं आज इस किसान से पूछता हूँ कि भाई आपने छोड़ा क्या सोचकर छोड़ा है? जी, हम लोग का सुविधा होगा इसलिए छोड़ा। और मतलब क्या क्या फसल करते हैं आप लोग? अभी तो हम लोग मिर्ची का खेती किए हैं और टुलपंप से अभी धान का खेती किए हैं, उस बार वर्षा नहीं किया इसलिए अगर टुलपंप से। कितने खेत आपके ये नहर में जा रहे हैं? 1-2 एकड़। और ये नहर बन जाने के बाद कितना आपको मतलब बेनिफिट होगा, कितना फायदा होगा? फायदा तो 80% से ज़्यादा ही होगा। तो आप कितना खेत हैं ये नहर का बनने का, ये तो मात्र सुनने पर कि आप सुने कि नहर बनने वाला है और ये डैम रिपेयर होने वाला है, आप सिर्फ सुने हैं और अभी आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको तो कैसा महसूस हो रहा है कि ये बनने वाला है? ये बनेगा तो अच्छा ही होगा। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। कहाँ के रहने वाले? कुमकोटी। अच्छा, आप अभी सब्जी बेचने जा रहे हैं? कहाँ बेचते हैं ये सब्जियाँ? दानाडी बाजार। अभी यहाँ पर आपको कुछ खबर मिला है कि चेकडेम यहाँ पर जो है उसका रिपेयर और बनने वाला है? वो तो नहीं सर, देखिए हम लोग खेतीबाड़ी है तो समय नहीं मिला है। तो अभी ये चेकडेम का टेंडर हो गया होने वाला है, तो आपको
यहाँ पर कैसे किसानों को मतलब मिलेगा फायदा है? पैसा देखिए मिलेगा सर, यदि ऊपर उठेगा पानी मशीन में ने पहले फायदा होगा उधर में, और इधर से नली से बांध भरेगा तो फायदा ही होगा उधर से। मतलब कितने किसानों को फायदा मिल सकता है गांव में? इस साइड में सभी को। कौन कौन सा गांव इसमें फर्क पड़ेगा? फायदा होगा। कौन सा गांव? चौगा। और कौन सा है? आर तो नहर जिसमें। हाँ नहर, नहरों मिलेगा तो वो तो फायदा उधर उड़े तब हमें जाएगा, जरूरी तो जाएगा। क्या नाम आपका? नाम कर्मा। पूरा नाम कर्मा। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं सर।